सबसे पहले दो चार जयकार बोले बोलते हैं, बोलिए बालाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, चित्त श्री खेमा बाबा की, जसनाथ जी महाराज की, गुलाब भारती जी महाराज की, शिव भारती जी महाराज की, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, ख्वाजा साहब की, ज्वार सिंह जी भूमिया जी महाराज की, यादे मात की, बाबू जी राठौड़ की, खेतेश्वर भगवान की, पिंपा जी महाराज की, सैन जी महाराज की, सती माता की, वीरात्रा माता की, गोगा जी महाराज की, रावल मलिनाथ जी की, रानी भटियाणी जी की, सतीश कौर देवी देवताओं की। मैं आपका ये प्यार देखकर गौरवित हूँ, हर्षित हूँ, आप सभी का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ कि इस नामांकन रैली में आपने इस रैली को महारैली बनाया। आपका बायतू की जनता का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के दोनों के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल साहब को और चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब को, कि मेरे ऊपर भरोसा करके बायतू से उम्मीदवार बनाया। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को आप अपना अमूल्य वोट मुझे देकर आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ, आप लोग मारो खूब मान सम्मान रखियो, मारो मन रखियो और जीत के बिल्कुल नजदीक ले जान छोड़ दिया। इन वास्ते हैंगो पहला तो आपने पहल के वोट दीना जगह को धन्यवाद दूं, और पहल की बार थोड़ी बहुत जगी मारी कमी रहेगी कि मैं नया उम्मीदवार आ और आप लोगों के बीच में पुगी जो कोनी ए हज साहब ने मन रोज आका करे कि पहल के हावड़ा आंधे मिले आल तो था नहीं हो फोड़ा को पड़ता नहीं, तो पहल के आप लोग तो खूब मन रखियो पर मारी थोड़ी आप कमी रहेगी बींगी वजह हूँ थोड़ा लारे रह गया। लेकिन लाल वोटों के बाद में जब भी आप मन बुलाया मान सम्मान कियो वो जीतुड़ियो मारो बत्तो कियो और आप मारे मान सम्मान और कोर्ट में कोई कमी नहीं रखी। इन कारणों ए 5 साल बिल्कुल फटदड़ निकल गया और अबार अबार आप लोगों को मन देखन मने बहुत ही खुशी हुई कि इन बार आप मारे माते पूरो पूरो आशीर्वाद दौला। और अब कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों आपस में मिली जुड़ी है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और आपो भी करता तो के करता, पहला अपने कन कई ऑप्शन हो को नहीं, बीजेपी नाराज हो प्राण कांग्रेस भिड़ा जाता और कांग्रेस नाराज हो प्राण बीजेपी भिड़ा आता। पर हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मैं धन्यवाद दूँ कि लाल 25-30 सालों जो संघर्ष कियो और अपन ने राजनीतिक रूपों जागृत किया और अपन ने एक विकल्प दियो है कि हम दोनों पार्टियों ने फिटी मारो और एक बार RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आप समर्थन करो ताकि जो को हमेशा राजस्थान के माँ वे कया करे कि नए राजस्थान को निर्माण करो, भय और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाओ, अपराध मुक्त राजस्थान बनाओ, टोल मुक्त राजस्थान बनाओ, राजस्थान के युवाओं के लिए नया रोजगार का अवसर पैदा करो और किसानों के खेतों तक पानी लाओ, फ्री बिजली और ये नया नया जगह विजन है, तो एक बार आप बोने मौको दो जदि वे अपनों हित होश और अपने भले के लिए वे हमें काम करेला और एक कर दिखेला, अपन ने सिर्फ और सिर्फ बोंगे माते विश्वास करना है। लाला 70 सालों अपने कहीं नहीं फर्क पड़ियो, तो एक बार आप हनुमान जी ने अजमाइश करो और मारे माते भरोसा करो, मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि आपके भरोसे के हाथे धोखो नहीं वाला।
पिछली कांग्रेस सरकार जका महंगाई रात के नौ माते लालच से महीनों अपन ने फोटों के माध्यम भाषणों के माध्यम ठगिया बस थाने भली भांति ठाए मोटा मोटा पोस्टर लगाया महंगाई रात कैंप कटे महंगाई रात हुई। अगर महंगाई रात करनी ही तो बजरी सस्ती करता, पेट्रोल डीजल का पहिया कम करता और भी रोजगार का नया अवसर पैदा करता, बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्तो देता और युवाओं के सपनों माते खरा उतरता। लाल ने चुनाव में जगह में घोषणा पत्र में वादा किया, बे वादा एक ही पूरा किया हुआ तो बताओ बिंगे मो 80% वादा खिलाफी है। एक 10 तक की गिनती बोलन मोटुड़ा नेता आया दिल्ली आड़ा, बे कहन गया कि 10 दिन में थारो कर्जो माफ कर दे, संपूर्ण कर्जो माफ जो को आज दिन तक हो नहीं। बिंगे हाथे हाथे मारे आंगनबाड़ी वाली बहनों ने भरोसा देन गया कि थोने राज्य कर्मचारी को दर्जो दे थारो मान दे बढ़ाओ, लेकिन आज दिन तक वो होनी को नहीं। उल्टा बे आंदोलन किया जना बहनों ने सस्पेंड कर दी नहीं, बंद प्रताड़ित की भी। मैं बहनों कहना चाहूँ अब मौको है भी चीज को बदलो लेने को, ई मौके अब मत सूखियो दे। बिंगे हाथे हाथे जगह संविदा कर्मिया बोंगे हाथे ठगी हुई, किसानों के हाथे ठगी हुई, व्यापारियों के हाथे ठगी हुई और जनता के पूरे सपनों के हाथे ठगी हुई। और अपन ने इस चीज ठगन की कोशिश की हुई कि एक खुणसी हो एक लूण मिर्सो, खुणसी हो एक हल्दी और किला दो एक दाल, किलो एक लूण दे पर अपन सिखलाना चाहया। अरे नी शर्मो तो शर्म नहीं आवेगी, इतना पर मैं कीकर काटा इतना पर मारा लूण मिर्स कौन लान दे हो। तो अशोक गहलोत कह नहीं मैं जादू करूं टूनर टानर करूं, पर ओ थालो टूनर टानर जनता बिल्कुल समझ चुकी है और बिल्कुल असर नहीं करेला। जनता सब समझदार है, थारे लूण मिर्सों के चक्कर में कदी नहीं आवेला। और हमेशा वोट नेड़ा आवे जिना मोटा मोटा वादा कर जयपरा मोटूडी पार्टी वाला जे नजदीक हाडी चार महीना तो हाडी चार साल तो ऐश मौज करे एन वोट नेड़ा आवे तो चार सब महीना आवे नेड़ा रहे जना घूमना हरू करे और एक दो महीना रहे ना अकी हल्ला पांपला करे। कदी ट्रैक्टरों माथे सड़ सड़न फिरे, कदी मोटरसाइकिलों माथे सड़ सड़न फिरे, कदी ऊँटियों माथे सड़ जाए, कदी गाड़ो माथे सड़ जाए, ए पैंपला ए पांपला है। अगर विकास कियो अगर भाई तूने बड़ा था तो यहाँ पांपला करने की जरूरत नहीं पड़ती थोने। क्या मैं बढ़ाओ भाई तू आप इतना लोग बैठा बताओ कित बढ़ियो भाई तू, और कितों लोगों गैस की टंकियों सस्ती हुई 500 रुपयों में कितों की टंकियों आवे बताओ, किन्ने किन्ने बेरोजगारी बतो मिलियो बताओ। ए खाली गुमराह करने की बातों है, खाली पोस्टर लगा लोगों ने अपने पक्ष में करने की है और पेंशन बढ़ाने की कही बहुत सारी अड़ी बातों कही, लेकिन धरातल माते बोंगो काम जीरो है। अगर भाई तू बढ़ियो है तो अपराध के क्षेत्र में बढ़ियो है, भाई तू बढ़ियो है तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भाई तू बढ़ियो है, भाई तू बढ़ियो है तो अहंकार और घमंड में बढ़ियो है, नेताओं के घमंड में बढ़ियो है। तो और टाइम है और नेताओं को घमंड सकना चूर कर दियो आने वाली 25 तारीख माते। और मिनक बातों करे पहली बातों करता कि आरएलपी वाले टाबरों ने बिगाड़ दिया। अरे टाबरों के तू बिगाड़ दिया टाबरों ने, पहला घराला टाबरों माते नजर उठान देखो बोन अकन बिगाड़िया। अगर बोले कांग्रेस बीजेपी वाला नेताओं के टाबरों ने अगर बिगाड़े कांग्रेस बीजेपी वाला टाबरों ने कोई आरएलपी वाला आन थोड़ी बिगाड़िया, वह तो खुली बाना है। आरएलपी का सब युवा जवान समझदार है और बिगड़ता तो भाटों को जवाब दे भाटों दे देता। भाई तू माते कैला जी चौधरी से और हनुमान जी बेनीवाल आया जब भाटा बोए फेंकिया और कह के आरएलपी वाले बिगाड़ दिया। और हमें वो मौको है, इतना दिन साइलेंट रहा चुप रहा कोई बात नहीं, आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं थारे धैर्य ने दावत दूं कीमत दूं, पर आने वाली 25 तारीख को भाटों को जवाब पिंपाड़ी बजान दियो। मैं आप हूं इतो ही वादा करूं कि भाई तू की व्यवस्था में मैं बदलाव लाऊंगा, अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाऊंगा, हर एक सरकारी स्कूल के मैं स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम लगाऊंगा, कोई मारी पैयों की कमाई हूं और सरकार हालत बड़े अलग है। और राजू मिलना लो एक एक रुपयो अपने जनता के बीच में लागेला, इस चीज को आपने भरोसा दूं और इस चीज को मैं वादो करूं। दूजो बदलाव जो को सरकारी काम काज हुए घटिया क्वालिटी को निर्माण हुए बिंगे में मैं बदलाव करूंगा। आज बातों तो करे मैं रोडों का हड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन मैंने तो खाली बातों का जाल दिए हड़कों का जाल कितनी देखिया को नहीं। आज मुख्य मुख्य हड़कों देख लो, अब सवा फरसून रोड आ उम्मेदाराम जी यूआर साहब पहल के भाषणों में ही कहता के बदी हुए एक इंसी तो बताओ
टूट टूट कहानियों कम जरूर हुई है, पर बड़ी है सड़कों का बदलाव हुआ तो बताओ। इस प्रकार मुख्य सड़कों अपने क्षेत्र की मुख्य सड़कों में तो गोडो गोडो नहीं खड्डा पड़ा है, कहीं अंतावल हली कर गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ तो पेट की पेटों की ढल जाए, पर अपन तेम में तो नहीं फूकी जाए, ऐसी सड़कों की होंगी हालत है। तो आपने इस चीज़ को भी वादो करो कि इनमें सिस्टम ने सुधार करो ला जकी है हड़कों में बनावे बढ़ने पहला टूट जाए और मो खाडा पड़ जाए। आप देख लो पाटो दी हूँ आज जकी भाटगाड़ी हड़क बनी है, परे हूँ लेन अपने कनूट तक तो इनमें हाथरे अड्डारे बात तो कारियों लगा दी नहीं और अजीब रोड टूट पड़ी है था देख लियो। और इंगे हाथ आते कई लाल दो सालों में रोडों बनी है जकी डेढ़ दो साल को काटे नहीं, पूरी रोडा टूट गई है और सिस्टम बनूड़ो के रोडा पूरी हुए भी पहला लारे कार्यों आनी हरूज है। इस क्षेत्र में भी मैं बदलाव करोला। दूसरी बात हॉस्पिटलों के आगे थे देखिया होला, हमें तो चुनाव आयोग बोर्ड हिटा नका दीना, पहला बंग में तो मोटी मोटी एडो लिखुड़ी, मुख्यमंत्री का मोटा मोटा फोटो लगौड़ा, मंत्रियों का फोटो लगौड़ा और माते लिखुड़ो के इतनी दवाइयाँ फ्री, ई इलाज में 5 लाख ही फ्री, ई इलाज में 25 लाख ही फ्री। लेकिन अपन तो मो गोली ले जाता नहीं तो कुंदन वाली गोलियों में लेन 2 रुपये वाली वह भी फ्री मिलती को नहीं, हम लोग मेडिकल बताता अभी खूने माते हूँ लाओ तो थारे हली कार करी, दूजड़े माते हूँ लिया तो कार को करें नहीं, ऐडी व्यवस्थाओं में नूढ़ी होंगी। मैं आपने भरोसा दिलाऊँ कि इन व्यवस्थाओं में भी बदलाव लाऊँ और इस सिस्टम ने ठीक करो। इन आते आते अगर पानी की बात करो तो कालिया पाइप तो घना ही बिछाया, कालिया पाइप तो घना ही बिछाया, लेकिन कालिया पाइपों में पानी को अतो पतो ही को नहीं और जूनिया पाइपों में कोई थोड़ो घड़ो पानी को खुल क्यों आवे हो वो पाइप बे पाइप ने भी बाढ़ दीना और बे भी बंद हो गया और कालिया पाइपों में आज सरूड़ पिरो पानी कहीं आए हुए तो बता दो। पर मैं आपने भरोसा दिलाऊं कि और सिस्टम भी ठीक करो ला और पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप में करो कि लारे आपने कहावत है नहीं कि कोठे में होवे तो खेली में आवे, तो एक कोटा भरण को भी काम करो जब ये कालिया पाइपों में पानी आई। इस चीज को भी आपने मैं भरोसा दे रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव करो ला, स्कूलों के मुख खाली पद बढ़िया जगह खाली पद भरो, बेरोजगार ने रोजगार देने वास्ते सरकारी पद खाली पड़िया बे सारा पद भरवाला, किसानों के लिए बिजली पूरी 8 घंटा मिले और बाद दिन में किकर मिले बिंगे लिए पूरा प्रयत्न करोला। हमारी सरकार तो वोल्टेज तो कम दे के 7-8 बार तो मोटरों ट्रिप हो जाए और महीने में शहर कोई मोटर बंदा नहीं पड़े, ऐडी हालत उड़ी है। इस सिस्टम में भी मैं सुधार करूँगा, इस चीज़ को भी आपने भरोसा दें। एक बिजली फ्री कर दी नहीं, अरे किट निकमों की बिजली फ्री की हुई कई जगह तो खंबा रोपूड़ा पड़ा है, माता तारों ही कौन खांसूड़ी और बिल दे दकाट दिया और भले ऊपर नोटिस भेजो कि बिल नहीं भरियो तो थारो कनेक्शन काट दे। जिला परिषद वाली मीटिंग में एक दिन अफसरों ने मैं घना ही जाड़िया, अरे निकमो तो शरम आनी सही जे तारो माते खोसुड़ी को नहीं और बिल पकड़ा दिया के कनेक्शन काट दे, कनेक्शन है ही को नहीं तो के माथो काट दे, एडी एडी होंगी हरकतों हैं। तो इन सब सिस्टम ने सुधार करो ला, भ्रष्टाचारी अफसरों की कोई जगह नहीं रहला, ईमानदार और नेक निर्भीक ईमानदार अफसर हो वो ये टिकुड़ो रही और मजा ले जनता को एक 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 पहियो ही कोई खा जिए, क्योंकि क्योंकि नेताओं की मजबूत पैर भी कौन ही। इंगे हाथे हाथे रिफाइनरी और केन कंपनी के मो CSR फंड हो चाहे रोजगार हो, किसानों और जवानों ने बेरोजगार युवा साथियों ने बहुत बड़ी उम्मीद दी कि अटे रिफाइनरी मन फायदो हुई, लेकिन बटे कोई खास फायदो नहीं हो, अपनी कोई पैर भी करने वालों को नहीं। एक दो बार कोशिश की भी तो धके मोटा मोटा नेता बोने बुला परान एडजस्ट कर दी और बोलती बंद कर दी, मारे एर को कहीं कोई आवाज उठावे तो अपने लारे समर्थन को नहीं, ऊपर ताकत केंद्र में भी पोंगी है और स्टेट में भी पोंगी है जना कोई हुनन को दे नहीं। आपने इस चीज को पूरा भरोसा दे रहा हूँ कि गाड़ियों को भाड़ो भी बढ़िया होला और स्थानीय लोगों ने उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेला और CSR फंड का रुपया भी खर्च होला। आज रिफाइनरी बनी 27 किलोमीटर दीवार बनाने के कारण 15 गाँव का मुंडा बंद हो गया और बंद 25-25 किलोमीटर घूमन जाना पड़े। हर साहब बैठा पाटो दीड़ा खूब लोगों ने ध्यान है, ए कपूर साहब बैठा मारे पाटो ये कितना किलोमीटर था घूमन जाना पड़े गाँव और 5 साल पूरा हो गया लेकिन नेताओं की नींद नहीं खुड़ी उड़ी को नहीं, कई बार मांग की भी और बहुने सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई लगूड़ो है, जनता की कोई नहीं फिक्र नहीं है। तो बहुत दिमाग ठीक भी करो ला, आपको सहयोग हो तो गाँव के लिए
रिफाइनरी के आड़े पाड़े और पूरे क्षेत्र में चमचमाती रोडों भी बनेला, स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक होला, चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक होला और पानी की व्यवस्था भी ठीक होला और CSR का फंड का पूरा पूरा सदुपयोग अपने लिए होला। इस चीज को भी आपने भरोसा दिलाऊं। बाकी चुनाव को माहौल है, शांति बनाई रखियो और हाडी चार साल दस महीना लोग एकदम आपसी भाई सारे हो रहे हैं, एक दूसरे के ब्याह विदाउन में आवे, लेकिन एक दो महीने को टाइम एडो हुए के मोटूड़ा नेता अपने स्वार्थ वास्ते एक दूसरे ने लड़ा दे, एक दूसरे ने भिड़ा दे। तो मैं आप मु अपील करना चाहूँ कि आप झूठे जासों में मत आइयो और झूठी अफवाह में नहीं आनो, भाई सारो कायम रखनो और आपके अंत में हकरो लागे भी नहीं वोट देनो। अंधारे सौंद ने कई आई कई लालच बताई कि थारे यो कर दे थारे यो कर दे, पर भी लालच में मत आइयो और कोई मोटो फायदो दे तो वह नहीं 10-20 लाख रुपये को तो छूकियो मती, पर वोट अपनी जिज्ञा दियो। आप बड़ी संख्या में आया और सुबह हूँ बहुत इंतजार करो माताओं बहनों ने सब जगह सब ने काफ़ी टाइम हो गयो, मैं बहुत आपने सब ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और एक बार पुनः अपील करूँ कि आप आने वाली 25 तारीख ने मारे माते आशीर्वाद राखियो, माने अपनो समझ आपको बेटो समझ आपको छोटो भाई बड़ो भाई समझ मारे में ऊपर आशीर्वाद राखियो और मैं मारी पूरी ईमानदारी हूँ नेक नियति हूँ आपकी सेवा के मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके वास्ते आयो हूँ सेवा भाव हूँ आपके बीच में आया हूँ, कमाई धंधो करना हो तो मारे तो काम धंधे की भगवान की मेहरबानी हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद हूँ कोई कमी नहीं है, फैक्ट्रियों भी चले विदेशों में काम भी चले और अठे भी काम घणो ही चले, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके सेवा भाव आया हूँ। मन जीताओ तो आपकी जीत होला, मोटूड़ी पार्टियों ने जीताई तो घमंड की जीत होला, अहंकार की जीत होला और रुपये की जीत होला। तो आप मने अपनो समर्थन मारो समर्थन करियो और मैं भी आपने अपना समर्थन अपना के भाव के हाथे हमेशा जी प्रकार लाले 5 सालों आप बीच में रहो बियों को बियों आने वाले 5 सालों में 37 कौम के भाइयों ने हाथे ले और सबको समान प्रतिनिधित्व और बिना पक्षपात बिना भेदभाव किए हुए सब ने हाथे ले चलो, आप बड़ी संख्या में पधारा, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सिद्ध श्री के माँ बाबा की, वीर तेजाजी महाराज की।